चुनाव के समय पाकिस्तान का जिक्र न हो, ऐसा होना मुश्किल है। खासकर भाजपा नेताओं द्वारा विरोधी पार्टियों पर अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि उनकी रैली में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए, और ऐसा हाल के यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त भी हुआ है। हाल ही में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने ये वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि समाजवादी पार्टी की रैली में साइकिल पर बटन दबाना है, पाकिस्तान बनाना है कि नारे लगे। संबित पात्रा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए लिखा कि समाजवादियों ने नया जिन्नावादी नारा जारी किया। ऐसा ही दावा भाजपा नेता प्रशांत पटेल उमराव, अभिजीत सिंह सांगा, वाई सत्य कुमार सहित कई लोगों ने किया है। इतना ही नहीं, नवभारत टाइम्स और इसके पत्रकार शिवम भट्ट, आज तक, एशिया नेट, प्रभात खबर ने भी ऐसा ही दावा चलाया। एशिया नेट ने लिखा कि यूपी के कानपुर में सपा प्रत्याशी के जनसंपर्क के दौरान पाकिस्तान प्रेम उजागर हुआ है। प्रत्याशी मुनिंद्र शुक्ला के जनसंपर्क का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साइकिल का बटन दबाना है, पाकिस्तान बनाना है के नारे लगाए जा रहे हैं। तो क्या सच में सपा प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे? ऑल्ट न्यूज ने इस वीडियो की जांच के दौरान पाया कि मुनिंद्र शुक्ला ने खुद एक बयान जारी कर इस वीडियो को भ्रामक बताया है। उन्होंने बातचीत के दौरान हमें बताया कि चुनाव प्रचार के वक्त पाकिस्तान बनाना है के बजाय माटी चोर भगाना है के नारे लगाए गए थे। मुनिंद्र शुक्ला ने बताया कि माटी चोर शब्द का इस्तेमाल यहां बिठूर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा के लिए किया गया है। मुनिंद्र शुक्ला ने दावा किया कि अभिजीत सिंह ने मिट्टी के अवैध खनन का काम किया, जिससे जनता आक्रोशित है और इसलिए माटी चोर भगाना है के नारे लग रहे थे, और इसे भाजपा वालों ने पाकिस्तान बनाना है बता दिया। साथ ही उन्होंने हमें वायरल वीडियो का लंबा वर्जन भी भेजा। 43 सेकंड के इस वीडियो में सबटाइटल भी है। वीडियो में 20 सेकंड पर वायरल वीडियो का हिस्सा दिखता है। तो जैसा कि आपने देखा, मोहर मारो तान के साइकिल के निशान पे और माटी चोर भगाना है साइकिल का बटन दबाना है के नारे सुने जा सकते हैं। बिठूर विधानसभा के एआरओ ने एक बयान जारी कर कहा कि वीडियो की जांच कराई गई और उसमें पाकिस्तान शब्द नहीं सुनाई दिया। आगे ऑल्ट न्यूज ने ये पता करने की कोशिश की कि आखिर सपा ने क्यों माटी चोर भगाना है नारे का इस्तेमाल किया। मार्च 2021 में दिवस पांडे नाम के एक पत्रकार ने भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा को ट्वीट में टैग करते हुए कहा था कि उनके रिश्तेदार मिट्टी के अवैध खनन के ठेकेदार बने हैं। इस तरह ऑल्ट न्यूज ने पाया कि कई भाजपा नेताओं ने गलत दावा किया कि सपा प्रत्याशी की रैली में पाकिस्तान बनाना है के नारे लगे, और कुछ मीडिया संगठनों ने भी बिना जांच किए इस दावे को आगे बढ़ाने का काम किया। आइए अब हम बात करते हैं ऐसे ही एक और वीडियो की। ये वीडियो शेयर करते हुए भाजपा नेताओं ने दावा किया कि सपा और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। बीजेपी प्रवक्ता अजय शेरावत और नवीन कुमार जिंदल ने ये वीडियो शेयर करते हुए ऐसा ही दावा किया। जी न्यूज के पत्रकार सोनू शर्मा ने अजय शेरावत का ट्वीट को ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर ये सच है तो चिंता की बात है। इस मामले में पीछे न रहते हुए सुदर्शन न्यूज और एशिया नेट ने भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का दावा किया, जबकि इस वीडियो को ध्यान से सुना जाए तो कहीं भी पाकिस्तान शब्द सुनाई नहीं देता। असल में इसमें आकिफ भाई जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा था। आरएलडी प्रत्याशी नीरज चौधरी ने एक बयान जारी कर कहा कि ये बदनाम करने की एक साजिश है। किस प्लेटफॉर्म से हुआ है तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने उसको देखा, उसमें कहना है, नीचे लिखा हुआ है, कैप्शन लिखा है वायरल वीडियो वायरल के नीचे कि सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। भाइयों, मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, सभी भाइयों और बहनों से अपील करता हूं, उस वीडियो को कृपया एक बार ध्यान से सुनिए। वो आकिब भाई जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। रात आकिब भाई आकिब अंसारी जी मोहल्ला झुलायान में सभासद हैं, उनके यहाँ एक मीटिंग थी, सभा थी हमारी, बहुत लोगों का जनसैलाब उमड़ा हुआ था,
तो हम लोग जब बाहर निकल के आए तो नारे लग रहे थे, नीरज चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, आकिब भाई जिंदाबाद। उस आकिब भाई जिंदाबाद को इन्होंने वीडियो वायरल करके कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और हैरानी की बात यह है, उस वायरल वीडियो में जिसमें आकिब भाई जिंदाबाद के नारे हैं, उसके बिना पे हम पे एक FIR भी दर्ज हो गई। तो भाइयों, मेरी आप सब लोगों से अपील है कि भाईचारे का प्लेटफॉर्म पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इस भाईचारे को सभी लोग बना के रखें, खराब ना करें, इस तरीके की फेक वीडियो के बहकावे में बिल्कुल ना आए। कृपया इस वीडियो को दोबारा से सुने, वो आकिब भाई जिंदाबाद है, आकिब भाई हमारे पड़ोस में बैठे हैं, आकिब भाई शहर के बहुत ही सम्मानित नागरिक हैं। हमने आकिब अंसारी से भी बात की, उन्होंने कहा कि विपक्षी लोगों ने ये वीडियो वायरल किया है। RLD की चुनावी मीटिंग थी और वहां जनसैलाब था, लोगों ने जयंत चौधरी जिंदाबाद, नीरज चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाए थे। वो उसी क्षेत्र के सभासद है और इस कारण लोगों ने उनके नाम का नारा भी लगाया। आकिफ अंसारी ने आगे दावा किया कि ये सब चुनाव प्रभावित करने के लिए किया गया था। ऐसा अक्सर देखा गया है कि चुनाव के समय या जीत के बाद भाजपा ने विरोधी पार्टियों की जनसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का झूठा दावा किया हो, और ऐसा दावा भाजपा के प्रमुख नेतागण तो करते ही है, साथ ही इसे मीडिया भी बिना वेरीफाई किए चला देता है।